सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरिंदर ताऊ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। 5 दिन हो गए हैं, सारी बीजेपी को सांप सूंघ गया। मैं उन्हें आज से नहीं जानता, मैं तब से जानता हूं जब वो चौधरी चरण सिंह, सहा और सहनशाह सिर्फ दो ही तो चलते हैं, बाकी तो सब वजीर हैं। कह रहा हूं गृह मंत्रालय की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी सेना को हवाई जहाज नहीं दिए गए। जब से छोटा था मैं तब से जानता हूं सत्यपाल मलिक आज तक लालची न थे, न हैं और न होंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सत्यपाल मलिक के बयान आने के बाद सियासी माहौल तेज है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर सत्यपाल मलिक ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, क्या पीएम मोदी सामने आकर इसका जवाब देंगे। सियासी तेज है, इसी बीच हमारे साथ हरिंदर ताऊ है, इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरिंदर ताऊ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और दोनों ही किसान परिवार से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने कहा कि पूरे मामले पर जब प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तुम, सत्यपाल मलिक को कहा कि अभी तुम चुप रहो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुप क्यों रहे, ऐसा क्या उसमें राज छुपा था कि देश के प्रधानमंत्री को, जम्मू कश्मीर के गवर्नर को चुप रहने के लिए कहा गया? तो ये राज की बात है। देश के 40 जवान शहीद हो गए और देश का प्रधानमंत्री फोटो सेशन में लगा हुआ है और जब बाहर निकलता है उसे पता चलता है तो सीधा गवर्नर को फोन करता है। चलिए मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा, फिर एनएसए डोभाल ने भी यही बात कही कि आप चुप रहे। चुप क्यों रहे जब उसने कहा है कि इसमें गलती हमारी है? भाई, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे और उन्हें एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए? रीजन, सत्यपाल मलिक के बयान पर जो कुछ बीजेपी के नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि सत्यपाल मलिक पहले क्यों नहीं बोले इस बात को, अब क्यों सामने आ रहे हैं? पद पे रहते हुए बोले। उन्होंने कहा है कि जब मेरी बात हुई थी प्रधानमंत्री से कि ये भारत का किसान बैठा हुआ है, ये ऐसे नहीं जाएगा, इनको कुछ दीजिए ये तब जाएगा, सम्मान करिए। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या मेरे लिए मरे हैं? तो जब देश के किसानों को ऐसी बात कह सकता है तो जवानों पे वो क्या करेगा? तो किसानों के मुद्दों पे तो हालांकि उन्होंने सवाल उठाया था, लगातार उन्होंने पीएम मोदी से टक्कर ली, उनके लिए बात, बहुत सारी बातें कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जब पद पे थे तो ये उन्होंने क्यों नहीं कहा कि पीएम मोदी ने मुझे पुलवामा के लिए मना किया है बोलने के लिए? देखिए, उसने तो जब पद पे थे उसने तब भी कहा था कि मुझे 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई है और आरएसएस का एक बड़ा नेता है और मैं उसका नाम भी बताऊंगा, नाम आ गया, राम माधव। और मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आपने मेरे पेन चोरी किया है और आपने किया नहीं तो आप तुरंत फड़क के पड़ेंगे मेरे ऊपर, एक्शन पर रिएक्शन करेंगे कि मैंने चोरी नहीं की। और अगर आप चुप हैं, चुप का मतलब क्या है? 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, सत्यपाल मलिक जी ने जो एलिगेशन लगाए, देश का प्रधानमंत्री उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, देश का गृह मंत्री नहीं दे रहा, एनएसए डोभाल नहीं दे रहा, इसका मतलब दाल काली, दाल में काला नहीं, विपक्षी पार्टी दाल ही काली है। विपक्षी पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी कहना है कि अभी भी जो है 4 बार के गवर्नर रहे हैं लेकिन एक किराए के मकान में एक सिक्योरिटी के साथ वो रहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो किराए के मकान में रहते हैं या अपने में रहते हैं, भारत के अंदर एक प्रोटोकॉल है कि जो गवर्नर रिटायर होगा वो Z+ सुरक्षा उसके पास रहेगी, ये प्रोटोकॉल है। तो सबको मिली हुई है। सत्यपाल मलिक की क्यों हटाई गई है? क्या सत्यपाल मलिक की हत्या कराना चाहते हैं कि वो राज छुप जाएं सारे? क्या चाहती है सरकार? जवाब दे ना, देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, एनएसए डोभाल जवाब दे। 5 दिन हो गए हैं, सारी बीजेपी को सांप सूंघ गया है, भारत के मीडिया को सांप सूंघ गया है, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर है कोई डिबेट इस पे? सत्यपाल मलिक यही कह रहे थे कि जब मैं अगली सुबह उठा तो द टेलीग्राफ अखबार में ये पूरी खबर छपी, उसके अलावा कहीं और मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे लगा था कि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं तो ये खबर छपेगी। हाँ तो क्यों, ये छोटा मुद्दा है? देश के प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्रालय पर और एनएसए डोभाल पर सबसे बड़ा
आरोप नहीं, सीधा उनको कटघरे में खड़ा। प्रधानमंत्री जवाब देंगे लगता है आपको? नहीं देगा। चोर कभी बोलेगा? अपराधी कभी बोलेगा? कैसे कह सकते अपराधी? क्यों अपराधी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं गृह मंत्रालय की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी सेना को हवाई जहाज नहीं दिए गए? क्यों नहीं दिए गए वो रीजन बताओ। सड़क मार्ग से क्यों भेजे गए? पहले हवाई जहाज से नहीं जाते थे या अब हवाई जहाज से नहीं जाते सेना? तो उस दिन क्यों नहीं दिए गए? क्या 2019 का चुनाव जीतने के लिए सेना की बलि दी गई है? जवाब दे प्रधानमंत्री। ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं वो, और आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, भली भांति जानते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, क्या लगता है उनका नेचर जो है, चूंकि आप काफी लोगों से उनके बारे में बातचीत भी होगी, उनके किस तरह के, क्या सियासी फायदे के लिए वो इस तरह के बयान दे सकते हैं या फिर ऐसा हुआ होगा? वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते क्योंकि अब उनकी एज है। सच्चाई ये है कि अब उनकी एज हो चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज, मैं उन्हें आज से नहीं जानता, मैं तब से जानता हूँ जब वो चौधरी चरण सिंह साहब के साथ रहते थे। उस समय भारत का सबसे बढ़िया वक्ता अगर कोई थे तो सतपाल मलिक जी थे। अगर सभा समाप्त हो गई और लोग चलने लगे और अगर आप ये कहो कि इस जनता को यहीं बैठा दो, तो उस समय अगर सतपाल मलिक की जी के हाथ में माइक दे दिया तो जनता जहां थी वहीं रुक जाती थी। ये उसकी खासियत थी। किसान आंदोलन के बाद ही क्यों बोलना शुरू किया, उससे पहले क्यों नहीं बोले, पद पर रहते हुए क्यों नहीं बोले? देखिए, कोई पद की गरिमा होगी इस बारे में तो भाई वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं पदों पे नहीं रहा किसी पे, तो मुझे इस पद की गरिमा का नहीं पता कि पद की गरिमा के अंदर क्या वो रहता है, क्या संविधान की शपथ लेके उसमें क्या है, तो वो तो वही बता सकते हैं या जो लोग उन चीज़ों पे रहे। उस बातों को गुप्त रहना, गुप्त भी रख होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो पद पर रहते हुए भी बोला, किसानों के लिए मुद्दे पे बोला। और जब वो गोवा के गवर्नर बने, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मंत्री रिक्शा ठेली वालों से, टैक्सी वालों से पैसा वसूल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ठीक है, मैं देखता हूँ, आप चुप रहे हैं। वो नहीं देखा, सीधा गवर्नर का ट्रांसफर मेघालय कर दिया। उन्होंने कई अपने इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं, उन्होंने कहा है कि साफ तौर से कि जो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से जो मिलने की फाइल होती है, जो नाम होती है, वो पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है, पीएमओ जाती है, वहां से फाइनल होता है कि राष्ट्रपति से कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है। उसने बताया ना, जब एक बार प्रधान राष्ट्रपति जी से मिलने का उसका फिक्स अपॉइंटमेंट हो गया और वो वहां से चल दिए और रास्ते में है, और तब उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ। क्यों हुआ? नहीं मिलने देना चाहते भाई। आप एक चीज देखिए, राष्ट्रपति है, किसने बनाया? क्योंकि यहाँ तो एक ही है ना तानाशाह, मुट्ठी में लिए बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, ये सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अगर मैं कह रहा भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़े हैं मैं, अच्छा चल मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तुम्हारा आसाम का मुख्यमंत्री, इतनी मोटी बुक हमारे गृह मंत्री ने जारी की थी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की, इतनी मोटी। और अब अगर पत्रकार पूछता है एक के उस पे, आसाम के मुख्यमंत्री पे बोलिए ना, उस पे बोलिए ना, उस पे मुझे कुछ बोलना ही नहीं। अब क्यों नहीं बोलता? क्यों? कि वो बीजेपी में आ गया, दूध का धुला हो गया। अभी जब चुनाव हो रहे थे, अभी तीन चुनाव जो हुए हैं जिसमें मेघालय भी था, मेघालय के मुख्यमंत्री के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने मेघालय में जाके सभाओं में कहा है कि अगर हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो ये है। और फिर चुनाव के बाद दो सीट बीजेपी जीती और दो को उनके साथ मिला के, और एक तरफ प्रधानमंत्री खड़ा, एक तरफ गृह मंत्री खड़ा, और शपथ दिला रहे उसे, तो भ्रष्टाचारियों को साथ देने वाला कौन है? उनके बयान में एक सामने, सतपाल मलिक के बयान में एक बात सामने और आई कि इस पाकिस्तान से इस पूरे मामले को जोड़ा गया चुनाव के वक्त में। उसके बाद मैं समझ गया था इस पूरे मामले को कि ये मामला क्यों पाकिस्तान की ओर मोड़ा जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए। मेरे एक 40 जवानों की बलि दी गई चुनाव जीतने के लिए। वरना जवाब दे गृह मंत्रालय के, एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए? और अगर सड़क मार्ग से जाने थे,
चलिए मैं कहता हूँ एयरक्राफ्ट नहीं दिए, सड़क मार्ग से जाने थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देनी थी, और फिर वो पूरी सड़क सैनिटाइज क्यों नहीं हुई? 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से? कोई जांच हुई है क्या? कहाँ है एनआईए? क्यों जांच नहीं हुई अभी तक? वो तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार तो तब से कह रही है कि जाँच चल रही है। जाँच कब तक चलेगी? कब तक चलेगी जाँच? है अरे 4 साल हो गए, 4 साल में तुम जांच नहीं कर पाए, और मेरे पास अभी 5 ग्राम नारकोटिक्स पकड़ लें तो बता देंगे इसके कनेक्शन आईएसआई से थे, अफगानिस्तान से थे, पाकिस्तान से थे, वहाँ तुरंत इन्हें पता चल जाता। और जहाँ इनकी ये फंसते हैं, जहाँ ये अपराध कराते हैं, वहाँ नहीं पता चलता। मेरे पास 5 ग्राम नारकोटिक्स रख दीजिए, मुझे अभी उठा करके मेरे परिवार समेत को जेल में भेज देंगे, और 25,000 करोड़ की नारकोटिक्स पकड़ी जाती है। मुद्रा एयरपोर्ट अडानी का एयरपोर्ट है, क्या सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, नारकोटिक्स हो, क्या उनकी हिम्मत है अडानी की घंटी बजा दें? कोई जांच हुई उसकी? एक बात उन्होंने और कही है, और सबसे अहम बात है इस पूरे मुद्दे को लेकर, कि ये जो आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी जो घूम रही थी, वो पिछले 15 दिनों से वहाँ पर घूम रही थी, ये कहीं ना कहीं उनके सूत्र हवाले से खबर पहुँच चुकी थी, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या करना चाहिए? देखिए वो गवर्नर थे, उनके पास इंटेलिजेंस थी, तो ज़रूर कोई आई होगी। और जब गवर्नर को चुप रहने के लिए कह दे और सहिंसा का आदेश हो तो कौन बोलता है उस समय? अरे पुलिस में मेरी मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ, लेकिन सेना के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे से गृह मंत्रालय में बैठा कौन है? सहा और सहिंसा सिर्फ दो ही तो चलते हैं, बाकी तो सब वजीर हैं, और वजीर कभी बोल नहीं सकता, ये गुलाम हो है। बाकी कोई मंत्री हो, आपने देखा ना रेल मंत्रालय का मंत्री कौन है? कोई बता नहीं सकता, मुझे भी नहीं पता। कभी तुमने देखा रेल मंत्रालय का उद्घाटन करते हुए, किसी रेल का उद्घाटन करते हुए? जहां अभी वंदे भारत का उद्घाटन होगा, सेंस आ जाएगा, और तुम्हें वो दिखाई आसपास भी नहीं देगा। जब सारे काम सहिंसा करेगा तो ये जो गुलाम बना के बैठा रखे हैं, इनको क्यों इतनी सुविधाएं दे रखी हैं? एक आखिरी सवाल, क्या लगता है सियासी फायदे के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो बयान इस तरीके का दे रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि विपक्षी पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हो जाए? देखिए उनकी एज हो चुकी है, सच्चाई ये है, और उसे लालच नहीं है। मैं आज से नहीं हूँ, मैं जब से छोटा था मैं तब से जानता हूँ, सत्यपाल मलिक आज तक लालची न थे, न हैं, न होंगे, खुला कहता हूँ। जो उन्हें लालची साबित कर दे, जो सजा चाहे उन्हें छोड़ मुझे दे देना, वो लालची है ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी बात, खुलासा किया है देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए, जो जो उन्होंने क्वेश्चन किया उनका जवाब दे दो, गलत साबित करो ना। अगर तुम मुझे गलत साबित नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस हमले के जिम्मेदार हैं, ये देश की जनता को पता चलना चाहिए। और देश की जनता से सीधा अनुरोध है कि अगर मीडिया कोई ऐसी खबर ना दिखाए, बहिष्कार करो और दो डालो उन्हें। चलिए, हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से एक गंभीर आरोप सीधा पीएमओ पर, गृह मंत्रालय पर सत्यपाल मलिक ने लगाई है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, और प्रधानमंत्री से इसका जवाब मांग रहा है। जो भी अपडेट होगा इस तमाम मामले में आपको देते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।